ये देखिए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, ये है एक स्मॉल टेबल फ़ैन। तो फ्रेंड्स, इसको आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, या किचन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिखने के अंदर काफ़ी स्टाइलिश है और इसकी विंड काफ़ी स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट है आर्किटेक्ट कूल का स्मॉल टेबल फ़ैन और USB चार्जिंग के साथ में आपको ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट करने वाले हैं। इसका कलर कैसे है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम इस फ़ैन की देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ़ैन पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। या कोई भी आपको सवाल पूछना है इसके ताल्लुक से तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस टेबल फ़ैन को A to Z चेक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टेबल फ़ैन और यहाँ पर F2409 इसका मॉडल नंबर है और आर्किटेक्ट कूल कंपनी की तरफ से ये आता है। और इस साइड देखिए फ्रेंड्स, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 20 डिग्री के ऊपर ये मूव करता है ऊपर साइड में, और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के ऊपर ये मूविंग करेगा, यानी जो रोटेट और शेकिंग कर रहा है तो ये 90 डिग्री तक के करेगा। पीछे साइड में हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो मटेरियल इसमें एप्स यूज़ किया गया है, PP है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए गए। प्रोडक्ट की जो साइज़ है यहाँ पर दी गई है, इसका जो वेट है ये 338 ग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बैटरी कैपेसिटी 2600 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, 7 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट इसका वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। इधर साइड में देखें तो आपको नेचुरल ब्रीज इससे मिलती है, यानी कुदरती हवा आपको मिलेगी। Type-C चार्जिंग पॉट इसमें आपको देखने को मिलेगा। शेक हेड डिज़ाइन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी जो उसका हेड है वो शेकिंग करेगा। और 5-speed फ़ैन आपको ये देखने को मिलेगा, इसके अंदर 5-speed दी गई है। तो इस तरीके से बॉक्स के ऊपर सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इस तरीके से पैकेजिंग के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हम देखें तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको चार्जिंग केबल इसके साथ मिल रही है, जो है C-type चार्जिंग केबल। और यूज़र मैनुअल देखने को मिल रहा है कैसे इसको यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर खुद बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आपको वारंटी कार्ड मिल जाती है, यानी एक्टिव योर वारंटी। आप इसको स्कैन करेंगे और खरीदने के दो दिन के अंदर आपको जो है तो रजिस्टर करना है, तो 1 ईयर की वारंटी साथ में इसके मिल जाएंगी आपको। तो कंपनी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कैसे इसको करना है सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट को हम इस तरीके से जब इसका कैरी बैग हटाते हैं तो इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलता है। वाओ, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी स्टाइलिश प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यह हमारा प्रोडक्ट। चलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि टोटल प्लास्टिक से बने हुए हैं, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी, और कंपनी की ब्रांडिंग सामने देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखिए तो ये 20 डिग्री के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर मूव करेगा, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। और आप देखिए काफ़ी स्टाइलिश है, पीछे यहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए नीचे साइड में देखिए तो यहाँ पर चार्जिंग पॉट यहाँ पर C-type आपको देखने को मिलेंगी सामने। और नीचे आप देखें तो आपको रबर की ग्रिप देखने को मिलेंगी, कहीं पर भी आप इसको रख देंगे तो ये हिलेगा नहीं। और सामने आप देखें तो आपको यहाँ पर कुछ LED लाइट्स के पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। इधर देखें तो ऑन ऑफ का बटन भी यहीं पर ही है। और इसकी स्पीड जो आप चेंज करेंगे, 5 स्पीड इसमें दी गई है, तो सामने ऊपर वाले बटन से करेंगे। और अगर आपको इसको रोटेटिंग करना है तो नीचे का बटन आप शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रोटेटिंग शुरू कर देगा। अंदर साइड में देखें तो 3 ब्लेड का फ़ैन आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो मोटर दी गई है, काफ़ी ज़बरदस्त मोटर दी गई है, क्योंकि इसकी स्पीड वगैरह काफ़ी शानदार है। चलिए फ्रेंड्स, इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको इसको लॉन्ग प्रेस करना है और छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट इंडिकेट हो रहा है और यहाँ पर हमारा फ़ैन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे का बटन हमने प्रेस नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं दूसरा करता हूँ तो देखिए यहाँ ब्लू हो चुका है, यानी हम 2nd speed के अंदर आ चुके हैं। ये हमारी 3rd speed है जो रेड हो चुका है, और रेड ब्लू है ये 4th speed है, और ये समझ लीजिए कि 3 से 4 फुट की दूरी तक के आसानी से ये हवा दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि ये स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर रहा है जो 5 के ऊपर है, ठीक है। और नीचे का जैसे बटन हम प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, तो ये रोटेटिंग शुरू कर देगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटेटिंग हमारी ये शुरू हो चुकी है। तो 90 डिग्री के ऊपर ये रोटेट कर रहा है। तो 2 से 3 लोग अगर टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, तो ये सबको हवा पहुँचाएगा। काफ़ी शानदार फ़ैन है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फ़ैन की हम थोड़ी नॉलेज और ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो फ़ैन आपको दिख रहा है ये 3 ब्लेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 3200 RPM की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और फ्रेंड्स, जब आप इसको यूज़ करते हैं
तो एकदम नॉइस कम आती है इसकी, यानी नॉइस रिडक्शन इसके अंदर दिया गया है। ज़्यादा नॉइस ये करेगा नहीं, आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 5 स्पीड देखने को मिल जाती है। तो इसकी स्पीड थोड़ी अलग अलग है, तो बता देता हूँ कि जब आप पहली स्पीड के ऊपर रहती है, यानी जब मैंने इसको ऑन कर दिया हूँ, तो ये जो अभी घूम रहा है तो ये 2000 RPM के ऊपर है, और जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स ये 2500 RPM पे घूम रहा है, और मैं तीसरे से करता हूँ तो ये 2900 RPM के ऊपर अभी घूम रहा है, और जब चौथा करता हूँ तो ये सबसे फास्ट है, ठीक है, ये है 3200 RPM के ऊपर। और जो पांचवा इसमें लेवल दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन हो चुका है, यानी ये समझ लीजिए कि अब जो नेचुरल हवा है, इसकी स्पीड नहीं है लेकिन जो नेचुरल विंड बाहर चलती रहती है, यानी एकदम ज़बरदस्त आपको लगेगा जैसे कुदरती हवा चल रही है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ इसके जो पार्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं वो रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव करके क्लीन कर सकते हैं, पानी से आप इसको धो सकते हैं सिर्फ मोटर को छोड़ के, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको बंद करने के लिए हमको सिर्फ ऐसे रख के लॉन्ग प्रेस कर देना है, और आप देख रहे हैं कि ये बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कितना शानदार प्रोडक्ट है ये। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी चार्जिंग की बात हम करें फ्रेंड्स, तो आपको इसको 2.5 घंटे चार्ज करना है, तो लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप ये दे देगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में इसको चला रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि बैटरी कैसे चार्ज हो रही है, कौन से इंडिकेशंस हमको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जब बैटरी हमने चार्ज पे लगाए हैं तो रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो हमको इसको 2.5 घंटे चार्ज करना है, 2.5 घंटे बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं। फ़ैन हमारा शुरू हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। टिश्यू पेपर अभी फ़िलहाल में मैंने 1.5 से 2 फुट की दूरी के ऊपर रखा हूँ, और मैं थोड़ा इसको दूर लेकर जा रहा हूँ, तो भी आप देख रहे हैं कि इसकी हवा आ रही है। लगभग 3 फुट तक की इसकी हवा आसानी से जा सकती है। तो जो टेबल है आपका, वर्किंग टेबल है, उसके ऊपर तो 3 फुट का ही फासला होता है, तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। हवा वगैरह भी काफ़ी शानदार है, इसकी ठंडी हवा आ रही है। तो फ्रेंड लास्ट में हम बात करें तो ये फ़ैन काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको हमने टेस्ट करके देखा है, इसके सारे फंक्शन देख लिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी हमने देख ली है, और सभी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टाइलिश है। कहीं पर टेबल पे आप रखेंगे तो ऐसा लगे जैसे फ्लावर पॉट जैसे आपने इसको रखा है, और कुछ ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। जब आप इसको ख़रीदेंगे तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर कूपन दिए हुए रहेंगे या फिर कोई ना कोई डिस्काउंट चल रहेगा, तो उसको क्लिक करके आप इसकी प्राइस कम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।